Hello, children. Hope you all doing good. Let's start today's chapter: Air and Water. Learning objectives: Air and Atmosphere, Water, Removal of Impurities. Do you know what is air? When mountaineers climb high mountains, such as Mount Everest, they carry a cylinder full of oxygen with them. Why do breathing problems occur at hill stations? So let's find out the answer of all these questions. air and atmosphere. air is present everywhere around us. we cannot see it, but we can feel it when it moves. we all need air to survive. our planet earth is covered with a blanket of air called the atmosphere. it is a mixture of gases. it extends from ground to hundreds of kilometers above the earth. it is thicker near the earth's surface. its thickness decreases with height. after the atmosphere ends, space starts. air, hum sabhi ke important hai? we all know that. एयर हर जगह प्रेजेंट है हम इसे देख तो नहीं सकते बट हर टाइम हम इसे फील कर सकते हैं आपकी जो एयर है इट इज मिक्सचर ऑफ गैसेस और आपका ये कहाँ से एक्सटेंड होकर ग्राउंड से लेके हंड्रेड ऑफ किलोमीटर्स अब अर्थ ये अर्थ सरफेस पे तो थिकर है और इसकी थिकनेस डिक्रीज होती है हाइट के साथ और जैसे ही आपका एटमॉस्फेयर एंड होता है स्पेस स्टार्ट Layers of atmosphere. The atmosphere of the Earth is divided into five layers troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, and exosphere. Troposphere. It is the closest layer to the Earth's surface where all living things are found. It extends up to 15 kilometers above the surface of Earth. It contains half of the Earth's atmosphere and all the changes take place in this layer. Now, अर्थ का जो एटमोसफेयर है उसकी फाइव लेयर्स हैं तो सबसे पहले आपका ट्रिपॉस्फेयर है ये अर्थ के सरफेस के सबसे पास है सारे लिविंग थिंग्स यहीं पाए जाते हैं एंड ये कहाँ तक आपके एक्सटेंड हो रहे थी अप टू फिफ्टीन किलोमीटर्स अबव द सर्फेस ऑफ अर्थ इसमें आपका आधा तो आपका एटमोसफेयर है और जितने भी आपके वेदर चेंजेस होते हैं वो इसी लेयर में होते हैं ट्रेटोस्फेयर अबव द ट्रिपोस्फेयर इज द ट्रेटोस्फेयर एक्सटेंड्स टू अबाउट थर्टी फाइव किलोमीटर्स एज कम्पेयर टू ट्रपोसफेयर दिस लेयर हैज लेस टेंस एटमोसफेयर इट कंटेन्स ओजो लेयर विच एब्जॉर्ब द सन अल्ट्रा वायल्ट रेज मैनी जेट एयरक्राफ्ट फ्लाई इन दिस लेयर अब आपकी ट्रोपोस्फेयर के ऊपर एक लेयर आती है विच इज स्टेटोसफेयर एंड ये कहाँ तक एक्सटेंड हो रखी है अबाउट थर्टी फाइव किलोमीटर्स अगर हम ट्रोपॉसफेयर के साथ इसको कंपेयर करें तो ये थोड़ी सी लेस टेंस है एटमोसफेयर में एंड इसमें आपकी ओजोन लेयर है ओजोन लेयर का काम क्या होता है कि सन की यूवी रेस को प्रिवेंट करना एब्जॉर्ब करना ओके एंड जितने भी आपके जो जेट एयर क्राफ्ट होते हैं वो इसी लेयर में फ्लाई करते हैं मिजॉस्फेयर अबव द स्टेटोसफेयर इज द मिजॉस्फेयर एक्सटेंड्स अबाउट फिफ्टी किलोमीटर्स इट इज कोल्डेस्ट लेयर अमंग द फाइव लेयर्स दिस लेयर प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम हिटियॉर्स बाय बर्निंग दम अब आप स्टेटोसफेयर के एक और ऊपर लेयर है बिच इज मिजॉस्फेर जो आपके 50 किलोमीटर्स तक एक्सटेंड हो रखी है एंड ये आपकी कोल्डेस्ट लेयर है अगर हम पांच लेयर्स की बात करें तो सबसे ठंडी लेयर यही है एंड ये अर्थ को प्रोटेक्ट करती है मिटियोर्स से क्योंकि जो मिटियॉर्स हैं वो इसी लेयर में बर्न आउट हो जाते हैं थर्मोस्फेयर द टेम्परेचर गेट्स हॉट वैन इट गोज हाई फ्रॉम द अर्थ सर्फेस स्पेस शटल्स ऑबिट्स इन दिस लेयर अब थर्मोस्फेयर की बारी आती है तो टेम्परेचर यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है क्योंकि ये अर्थ के सरफेस से काफ़ी ऊपर है एंड जो स्पेस शटल्स होते हैं आपकी इसी लेयर में ऑर्बिट करते हैं एग्जॉस्फेयर दिस इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर अबव दिस लेयर इज स्पेस देर इज नो एयर इन द स्पेस अब जो सबसे ऊपर वाली लेयर है वो आपकी कौन सी है एग्जॉसफेयर अपर मोस्ट लेयर एंड इस लेयर के बाद आपका आता है स्पेस एंड आपको पता है स्पेस में एयर है ही नहीं इंपॉर्टेंस ऑफ एटमोसफेयर एटमोसफेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ आर लाइफ इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग इट ऑल्सो गिवस कार्बन डाईऑक्साइड टू प्लांट्स फॉर प्रपेरिंग द फूड द एटमॉसफेयर कंटेन्स ओजो लेयर विच एब्जॉर्व द अल्ट्रा वायलेट रेज ऑफ द सन एंड प्रोटेक्ट्स अ लाइफ ऑन अर्थ द एटमॉस्फेयर बर्नज ऑफ मिटीयर्स बिफोर एंटरिंग द अर्थ सर्फेस अब एटमोसफेयर का इम्पॉर्टेंस क्या है सबसे पहली बात तो एटमॉसफेयर लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है या हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं कार्बन डाईऑक्साइड प्लान्ट को प्रोवाइड करते हैं उनका खाना बनाने के लिए एटमॉस्फेयर में आपकी ओजोन लेयर है जो यू वी रेस को एब्जॉर्ब करते हैं एंड एटमॉस्फेयर जो है जितने भी मिट्योर्स आपके स्पेस से आते हैं वो अर्थ के सर्फेस में आने से पहले ही वहाँ पर बर्न हो ऑफ हो जाते हैं तो एटमॉस्फेयर ऑल्सो हेल्प्स इन रिसाइकलिंग ऑफ अर्थ वाटर थ्रू साइकिल इसके अलावा जो साइकिल का जो प्रोसेस होता है वो एटमॉसफेयर की हेल्प से ही होता है composition of air air is a mixture of nitrogen oxygen carbon dioxide and many other gases the two main gases are nitrogen and oxygen nitrogen is present in abundant amount about 78% nitrogen is important for plants but it cannot be taken directly from the atmosphere bacteria present in the soil converts nitrogen from the atmosphere into a usable form and then taken up by plants from the soil Air contains 21% oxygen. All living beings need oxygen for breathing. It is also needed for burning. About 0.03% of carbon dioxide is present in air. Carbon dioxide is used by the plants for preparing their food. Besides these gases, air consists of minute quantities of many other gases like argon, ozone, neon, helium, and hydrogen. Some amount of water vapor, dust particles, smoke, and jumps are also present in air. एयर आपकी बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है ये तो आपको पता ही है तो दो मेन गैसेस हैं आपके नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन नाइट्रोजन जो है वो आपका कितना है सेवेंटी एट परसेंट तो ये प्लांट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट गैस है बट इसको डायरेक्टली नहीं लिया जा सकता है कुछ बैक्टीरियाज होते हैं सॉइल में वो नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं एयर में आपका ट्वेंटी वन परसेंट ऑक्सीजन है एंड ऑक्सीजन आपको पता ही है कि कितने सभी लिविंग बिंग्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बहुत कम है जीरो पॉइंट जीरो थ्री परसेंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स फॉर प्रिपेयरिंग द फूड इसके अलावा बहुत थोड़ी सी क्वान्टिटीज में दूसरी गैसेज भी हैं लाइक आपकी आंगन है आपकी ओजोन न्योन हीलियम एंड हाइड्रोजन इसके अलावा वाटर वेपर है डस्ट पार्टिकल हैं स्मोक हैं जम्स हैं ये भी आपकी एयर में प्रजेंट होते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एयर विद द हेल्प ऑफ गिवन एक्टिविटीज वी विल लर्न अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर नंबर वन एयर ऑक्यूपाइज स्पेस अब इसे हम एक्टिविटी के थ्रू जानते हैं एम टू शो दैट एयर ऑक्युपाइज अ स्पेस थिंग्स नीडिड बलूनज एंड रबर बैंड मैथड टेक एन इन्फ्लेटेड बलून एंड बलो एयर इन टू इट वेन द बलून इंक्रीजेज इट साइज क्लोज द माउथ ऑफ बलून विद रबर बैंड वट यू विल सी यू विल सी दर द साइज ऑफ द बलून इंक्रीजेज एंड द एम टी स्पेस इन साइड इट इज फिल्ट विद एयर दिस प्रूव दैट एयर ऑक्युपाइज अ स्पेस दैट इज वाई बलून इज फिल्ड अप अब आपको क्या शो करना है कि एयर स्पेस का ऑक्युपाई करती है राइट तो आपको बलून और एक रबर बैंड लेना है एक इन्फ्लेटेड बलून लेना है उसमें एयर को ब्लो करना है और जो बलून है उसका साइज आपका बढ़ जाएगा ओके एंड रबर बैंड से उसको आपको क्या करना है उसका माउथ को क्लोज कर देना तो आपने क्या ऑब्जर्व किया आपका जो बलून है उसका साइज इंक्रीज हो गया जो एम्प्टी स्पेस था उसके अंदर अब उसके अंदर एयर फिल हो चुकी है तो ये प्रूव करता है कि दैट एयर ऑक्युपाइज स्पेस नेक्स्ट इज एयर हैज बेट एम टू शो दैट एयर हैजेट थिंग्स नीडेड टू बलून्स वन फिल्ड विद एयर एंड एंड अब आपको ये शो करना है कि एयर में वेट होता है आपको दो बलून्स चाहिए एक एयर से फिल्ड हो और एक डी फ्लेटेड मैथ की बैलेंस ऑन टेबल ब्रिंग वन फिल्ड बलून एंड वन डी फ्लेटेड बलून कीप द फिल्ड बलून इन वन पैन ऑफ द बैलेंस एंड फ्लेटेड बलून इन दैन ऑफ द बैलेंस वॉट यू विल सी You will see that the pan containing the filled balloon goes down and the pan containing the deflated balloon goes up. This proves that air has weight. That is why the pan containing the filled balloon goes down. आपको देखिए बैलेंस रखना है इस तरह से एक तरफ आप रखेंगे डिफ्लेटेड बलून और एक तरफ आप रखेंगे बलून जिसमें आपकी एयर फिल्ड है तो आप क्या देखेंगे कि जिस बलून में आपकी एयर फिल्ड है वो डाउन हो जाएगा ये क्या शो करता है कि जो आपका एयर फिल्ड बलून है उसका वेट ज्यादा दैट मीन्स एयर हैज वेट नेक्स्ट इज एयर हैज प्रेशर एम टू शो दैट एयर हैज प्रेशर थिंग्स नीड इट अ ग्लास अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड वाटर मेथड टेक ग्लास एंड फिल इट हाफ विथ वाटर टेक पीस ऑफ कार्डबोर्ड एंड पुट इट ओवर द ग्लास कीप योर हैंड ओवर द कार्डबोर्ड एंड क्विकली टर्न द ग्लास अप साइड डाउन एंड स्लोली रिमूव दट यू विल सी The water does not flow because it exerts pressure on the cardboard from below and does not allow it to fall down. The upward pressure of air is more than the downward pressure of water. अब आपको ये शो करना है कि एयर में प्रेशर होता है तो आपको एक ग्लास की जरूरत है एक कार्डबोर्ड एंड मोटर आपको सबसे पहले क्या करना है ग्लास लेना है उसको आधा पानी से भर लेना है कार्डबोर्ड का पीस लेना है एंड ग्लास के ऊपर उसको रखना है अब आपको क्या करना है कार्डबोर्ड के ऊपर आपको अपना हैंड रखना है एंड देन ग्लास को आप अपसाइड डाउन ऐसे कर लेंगे एंड स्लोली फिर आप अपना हाथ रिमूव करेंगे तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो वाटर है फ्लो नहीं होगा क्योंकि वो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है कार्डबोर्ड में एंड ये क्या होगा ये आपका नीचे भी नहीं घरेगा ठीक है तो जो अपवर्ड प्रेशर है एयर का वो आपका क्या है वो डाउनवर्ड प्रेशर जो है वाटर का उससे ज़्यादा है नेक्स्ट इज To show that air supports combustion, things needed two candles, a matchbox, and a glass. Method Place two candles on a flat surface and light them with the mattress stick. Bring a glass and cover one lighted candle. Observe both candles for some time. What you will see? You will see that the covered candle stops burning after some time and the other candle is still burning. This is because covered candle does not get the supply of air and the other one gets proper air. This proves that air supports combustion. अब आपको क्या करना है दो कैंडल्स लेने एक मैच बॉक्स और एक ग्लास लेना है आपको दो कैंडल्स को इस तरह से रखना है राइट अब आपको क्या करेंगे आपको दोनों कैंडल्स को मैचस्टिक से लाइट करना है अब आप क्या करेंगे एक कैंडल को आप क्या करेंगे कवर कर देंगे तो आप क्या नोटिस करेंगे कि जो कवर्ड कैंडल है वो थोड़े से टाइम के बाद वो बुझ जाएगी राइट जबकि आप जो कवर्ड नहीं है जो अनकवर्ड है वो जलती रहेगी तो ये क्या प्रूफ करता है दैट ईयर is necessary for combustion or air supports combustion. Agar air nahi combustion Water, like air we also need water to survive. Water is present all around us. Our earth's surface is covered with about 70% of water. Water is found in ponds, lakes, rivers, seas and oceans. Some water seeps under the ground. We draw this water out with the help of wells and tube wells. Properties of water.

अब वाटर की प्रॉपर्टीज़ क्या है एक तो ये बहुत सारी चीज़ों को रिजॉल्व करता है लाइक शुगर सॉल्ट इंक वाटर आपके थ्री स्टेट्स में पाया जाता है रिमेंबर दैट वाटर इकलौता ऐसा सब्सटेंस है जो तीनों स्टेट्स में पाया जाता है वाटर बहुत सारी हीट को एब्जॉर्व करता है है ना और इसीलिए एज अ कूलेंट ये बहुत सारे व्हीकल्स में यूज़ किया जाता है इम्प्योरिटीज़ इन वाटर रेन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर एज रेन वाटर फॉल्स डाउन ऑन द अर्थ सर्फेस इट गेट्स मिक्स विद इम एंड मेक्स अ वाटर टर्टी

रिमूवल ऑफ सॉलेबल इम्प्योरिटीज़ अब इन सॉलेबल इम्प्योरिटीज़ को हम कैसे रिमूव करें तो नंबर वन मैथड है एवेपोरेशन टेक अ बोल ऑफ वॉटर एट सम सॉल्ट इन इट दैन कीप द बोल इन सनलाइट यू विल सी दैट वाटर इवेपोरेट्स लिविंग बिहाइंड द सॉल्ट इन द बोल आपको एक बोल लेना है उसमें पानी लेना है और नमक डालना है आप उसको सनलाइट में रखेंगे और कुछ टाइम के बाद देखेंगे कुछ टाइम यानी एक दिन में नहीं होगा कोई या कुछ घंटों में नहीं होगा जब आप देखेंगे ये वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा और आपके बोल में बच जाएगा नमक नेक्स्ट इज डिस्टिलेशन इन दिस प्रोसेस डर्टी वाटर इज फर्स्ट हीटेड इन अ डिस्टिलेशन फ्लास्क द स्टीम प्रोड्यूस फ्रॉम बॉयल वाटर एंटर्स द कंडेंसर वेयर इट गेट्स कूल डाउन एंड चेंजेस इन टू वाटर अगेन दिस वाटर गेट्स कलेक्टेड डाउन इन अनदर फ्लास्क एंड इट इज अ प्योर वाटर अब डिस्टिलेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि डर्टी वाटर को सबसे पहले हीट किया जाता है डिस्टिलेशन फ्लास्क में दिस इज द डिस्टिलेशन फ्लास्क ओके okay. एंड फिर जो स्टीम आपकी बनती है बॉयल्ड वाटर से वो एंटर होती है कंडेंसर में और जैसा कि इसका नाम है कंडेंसर वहाँ पे आपकी स्टीम कंडेंस होकर आपका फिर से किस में चेंज हो जाएगा वाटर फिर इस वाटर को कलेक्ट किया जाता है दूसरे फ्लास्क में एंड ये प्योर फॉर्म होता है आपका फैक्ट फाइल डिजिटल वाटर इज़ यूज इन लेबोरेटरीज फॉर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स डिजिटल वाटर का यूज़ हम जनरली करते हैं एक्सपेरिमेंट्स के लिए लेबॉरेट्री में इंप्योरिटीज नॉट गेट डिजॉल्वर इनसोलिबल इंप्योरिटीजर नहीं होती है उन्हें रिमूवल ऑफ इनसॉल्यूबल इंप्योरिटी एंडेशन अब आपको इनसॉलिबल इंप्योरिटीज को रिमूव करना है सेटेमेंटेशन एंड के मैथड से दीज मैथ वर्क टूगेदर टू प्योरिफाइ दॉटर ठीक है हाफ जारोटर एट समेट

सैंड सेटल डाउन हो जाएगा तो ये प्रोसेस होता है आपका सेडिमेंटेशन अब आप क्या करेंगे जो वाटर आपका ऊपर है उसको आप किसी दूसरे बर्तन में पोर करेंगे इस प्रोसेस को कहते हैं डिकेंटेशन फिल्ट्रेशन कीप द फनल ओवर एन एम्प्टी जार एंड प्लेस द फिल्टर पेपर इन द फनल टेक अ जार फुल ऑफ सेंटी वाटर पोर दिस वाटर इन द फनल ऑन द फिल्टर पेपर यू विल सी दैट इन आर लेफ्ट बिहाइंड ऑन द फिल्टर पेपर एंड प्योर वाटर इज ओपटेंड इन द जार वी कैन बॉयल वाटर और वी केन एड क्लोरिन टेबलेट और यूज़ वाटर प्योरिफास्ट purify वाटर और फिल्ट्रेशन के माध्यम में क्या होगा कि अगेन आपको क्या करना है मडी वाटर लेना है या फिर आप पानी में सैंड को डिजोल्व कर लीजिए आपको इस तरह से एक फनल लेना है इसमें हम फिल्टर पेपर लगाते हैं एक कंटेनर आपको नीचे रखना है राइट right? अब आप क्या करेंगे वाटर को इसमें पोर करेंगे उस जिस वाटर में आपका सैंड है तो फिल्टर पेपर में आपका सैंड रह जाएगा जबकि नीचे आपका बीकर में वाटर आ जाएगा अब आप इस पानी को बॉईल कर सकते हैं उसमें से जर्म्स को किल करने के लिए या फिर क्लोरीन टैबलेट्स ऐड कीजिए या फिर प्योरिफायर्स का यूज कर सकते हैं समरी एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ इज डिवाइडेड टू फाइव लेयर्स एयर इज मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड आर्गन एंड मैनी अदर गैसेज एयर ऑक्युपाइज स्पेस हैज़ वेट हेज प्रेसर एंड सपोर्ट्स कंपेशन वाटर इज फाउंड इन थ्री स्टेट सॉलर लिक्विड एंड गैस रेन इज अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वॉटर दॉरिटीज आर कॉल्ड सोलेबल इम्प्योरिटीज आपकी अर्थ का जो एटमोसफेयर है उसको फाइव लेयर्स में डिवाइड किया गया है एंड एयर आपको पता है बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है एयर की प्रॉपर्टीज क्या हैं ये सारी एयर स्पेस ऑक्यूपाई करता है हैज़ वेट हैज़ प्रेशर एंड कम्बोशन को सपोर्ट करता है वाटर आपका तीनों स्टेट्स में पाया जाता है यानी कि सॉलिड लिक्विड एंड गैस रेन आपका प्योरेस्ट फॉर्म है वाटर का एंड जो हम आपके डिजोल्व हो जाती है उन्हें हम कहते हैं सॉलिबल इम्प्योरिटीज़ चिल्ड्रन आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा आज इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे